परमेश्वर आज मुझ पे दया कर, परमेश्वर आज मुझ पे दया कर। बोलो परमेश्वर तेरी दया मुझे बहुत दे सकती है, जो मेरी फास्टिंग, मेरी प्रेयर, मेरी बाइबल रीडिंग मुझे नहीं दे सकती, तेरी दया मुझे बहुत दे सकती है। अपने हाथों को उठाएं और मांगे उसकी दया को परमेश्वर के सामने। कई प्रॉब्लम आपकी इसलिए हल नहीं हुई क्योंकि आपने अतरंगी की तरह दया नहीं मांगी, आपने कोड़ी की तरह दया नहीं मांगी, आपने अंधे की तरह दया नहीं मांगी, आपने 12 साल रोगी औरत की तरह दया नहीं मांगी। आज मांगे उसकी दया को इस प्रार्थना में। यहोवा मुझ पे अनुग्रह कर, यहोवा मुझ पे दया कर। दया मांगना आपके चेहरे पर दिखाई दे परमेश्वर को, दया मांगना आपके होठों पर दिखाई दे परमेश्वर को, दया मांगना आपकी रूह जिस्म जान पर, आपके प्यार पर दिखाई दे परमेश्वर को। मांगे उसकी दया। सच में मैं देख रहा हूं वो चर्च के लोगों पर दया कर रहा है, वो चर्च की टीम पर दया कर रहा है, वो चर्च कलीसिया पर दया कर रहा है। और आपने देखा जब जब भी चर्च के ऊपर दया शब्द आया तो मतलब हम वो देखने वाले जो हमने सोचा भी नहीं। यीशु नासरी के नाम में रिसीव करो। आज ग्रेस लेने का दिन है। जितने लोग और चर्च में आए हैं और लाइव देख रहे हैं, मैंने कहा आज दया को रिसीव करने का दिन है। ये हर वक्त नहीं आता जे वर्ड चर्च में, ये तब आता है जब परमेश्वर अपनी दया दिखाना चाहता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, वह तो और भी अनुग्रह देगा। आज हम यहां पर मौजूद है, खड़े हैं, ये उसकी दया है। आज हम अपनी गवाही को रिसीव कर चुके हैं, ये उसकी दया है। आपने बार बार पाप किए, बार बार गिर गए, फिर भी उसने आपको उठाया, जो उसकी दया है, जो उसकी दया है, जो उसकी दया है। हम रोज गुनाह करते हैं, वो रोज बख्श देता है, जो उसकी दया है, जो उसकी दया है, जो उसकी दया है। हमने बहुत पाप किए फिर भी उसने संकटों में हमें बचाया, ये उसकी दया है, जिसकी करुणा है, जिसकी बुलाई है, और जिसके ऊपर उसकी दया का हाथ रहता है। कोई उस व्यक्ति को नीचा नहीं कर सकता, कोई उस व्यक्ति को हरा नहीं सकता, कोई उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता। जो आशीष यहोवा की दया से आपको मिलती है, कोई उसे छीन नहीं सकता, कोई उस जॉब को छीन नहीं सकता, कोई उस बिजनेस को डाउन नहीं कर सकता, कोई उससे उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, कोई उसको हरा नहीं सकता। अगर कोई यहोवा की दया किए हुए व्यक्ति पर उसके लिए गिराने के लिए उसके खड्डा भी खोदे, तो हमान की तरह जिसने मोर्दकै के लिए खड्डा खोदा, वो खुद उसमें गिरेगा, क्योंकि आपके ऊपर यहोवा की दया है, क्योंकि आपके ऊपर यहोवा की दया है। जो आपका दुश्मन शैतान आपके लिए खड्डा खोदेगा, वो खुद गिरेगा उसमें, क्योंकि आज यहोवा की दया आपके ऊपर है। आज के बाद जो भी तीर आपके सामने आएगा वो आपके सामने झुक जाएगा। और मैं देख रहा हूं यहोवा की दया के अनुसार, चाहे आप किसी प्रॉब्लम में, चाहे आपने कोई गलत स्टेप ले लिए, चाहे आपकी मैरिज गलत हो गई, चाहे आपके कोई गलत डिसीजन हो गए और अब आप उनमें संघर्ष कर रहे हैं, पर प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है आज वो दया करेगा और खुद ब खुद आपके लिए रास्ते साफ होंगे, आपके रास्ते सीधे होंगे, आपके रास्ते साफ होंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे होंगे। और अगर यहोवा की आपके ऊपर दया है, वो आपके लिए आपकी फैमिली को चेंज कर देगा, आपकी सांस को चेंज कर देगा, आपके सौरे को चेंज कर देगा, आपके पेरेंट्स को चेंज कर देगा, आपके बॉस को चेंज कर देगा, आपके लिए गवर्नमेंट के रूल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसकी दया आपके ऊपर है। रिसीव करो दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, पुकारो ऊंची आवाज से उसकी दया को, केवल ऊंची आवाज से नहीं आत्मा से पुकारो उसकी दया को। ग्रेस, ग्रेस, ग्रेस। मैं यीशु नासरी के नाम में आज पूरी चर्च के ऊपर, पूरी क्लीसिया के ऊपर, जिस तरह बाइबल ने अपने कई दासों के नाम चेंज किए, उन्होंने कहा आज के बाद तेरा नाम इज़राइल होगा, अब्राहम को कहा अब आज के बाद तू अब्राहम होगा, अब्राहम ने उसने चेंज किया बहुत सारे दासों के नाम को। आज मैं देख रहा हूं जब यहोवा किसी की लाइफ को चेंज करता है तो उसके नाम को भी चेंज कर देता है।
आज मैं आपके नाम के आगे लगाता हूं ग्रेस। ग्रेस आपका नाम है, अनुग्रह आपका नाम है, ग्रेस आपका नाम है। आप अन्ना की तरह करेंगे, ये यहोवा से मुझे मिला है, जो उसकी दया से मुझे मिला है, जो उसकी दया से मुझे मिला है, जो बिजनेस उसकी दया से मिला है, जो जॉब उसकी दया से मिली है, जो चंगाई उसकी दया से मिली है। ग्रेस आपका नाम है, ग्रेस आपका नाम है। मैं आपके नाम के आगे ग्रेस की घोषणा करता हूं। जितने संडे के लोग देख रहे हैं, बुधवार के लोग देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं, न्यूजीलैंड ब्रांच, इटली ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, जितने भी लोग ऑल स्पिरिचुअल सन डॉटर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आपके नाम के आगे, आपकी चर्च के आगे ग्रेस शब्द की घोषणा करता हूं। और आज जितने भी मेरे स्पिरिचुअल सन्स है, जितने मेरे स्पिरिचुअल सन्स है, जितनी ब्रांच है जिनकी चर्च का नाम अभी तक मैंने नहीं दिया, आपकी चर्च के नाम के लिए मुझे एक शब्द मिल चुका है। स्टार्टिंग उसकी यही होगी, ग्रेस से शुरू होगी। आपका चर्च का नाम ग्रेस से शुरू होगा, आपका चर्च का नाम ग्रेस से शुरू होगा। और आप देखेंगे अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर ग्रेस को, दया को, दया को, प्रभु की दया आपको बहुत दे सकती है जिसके आप काबिल भी नहीं है। रिसीव करो ग्रेस को, मांगो फिर ग्रेस को, एक मिनट ऊंची आवाज से इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो उसकी दया को। आपका बिजनेस ओपन होने जा रहा है और उस बिजनेस का नाम होगा गॉड ग्रेस। उसके बाद आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस के नाम से पहले गॉड ग्रेस आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की दया से होने वाला है। रिसीव करो अपने बिजनेस के लिए गॉड ग्रेस, गॉड ग्रेस, गॉड ग्रेस। चाहे आपके बिजनेस का नाम कोई भी क्यों ना हो, उससे पहले आएगा गॉड ग्रेस, गॉड ग्रेस, गॉड ग्रेस। आपके जो बच्चे पैदा होंगे इन महीनों में, आप नाम रख सकते हैं उनका ग्रेस, 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 क्योंकि जो मिलने वाला है यहोवा की ओर से मिलने वाला आपको गॉड ग्रेस, गॉड ग्रेस, परमेश्वर की दया। रिसीव करो बुधवार के लोगों, रिसीव करो आज वो दया जो संडे वो दे चुका है, रिसीव करो एक नई दया के वर्ड को। पूरी चर्च टीम, गाने वाले, बजाने वाले, हर डिपार्टमेंट के लोग मांगो उसकी दया को। ये 3 मिनट सिर्फ आप प्रेयर करेंगे दया के लिए, और हिलाने वाली प्रेयर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपका टाइम है आत्मा में प्रेयर करने का। मैं बोलता हूं, अगर एक भी नया शब्द आपके मुंह से प्रार्थना में ऐसा निकल गया जो कभी नहीं निकला, तो समझ लो कुछ तो हो चुका आपकी लाइफ में। तो क्यों ना ये 3-4 मिनट 5 मिनट ऐसे शब्द मुंह से निकाले जो कभी नहीं निकले, और मांगे उसकी ग्रेस को आत्मा में। हो जाओ, रिसीव करो इस प्रोफेटिकली ग्रेस को, रिसीव करो इस प्रोफेटिकली ग्रेस को। जो मैं इस समय आपके ऊपर घोषणाएं करूं, आपने वो सेम शब्द से अपने लिए मांगना है। मेरे उस वर्ड को ग्रैंड करके आपने खुद भी बोलना है, यस प्रभु जो मुझे चाहिए। मैं आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ के स्वभाव को बदलने के लिए परमेश्वर की दया मांगता हूं। कहें कहें परमेश्वर यस, ये मुझे दया चाहिए, यहां पे मुझे दया चाहिए परमेश्वर, यस रिसीव कर। ओ जी, मैं आपका अपना घर बनने के लिए परमेश्वर की दया मांगता हूं, आपका अपना प्रेयर रूम बनने के लिए मैं दया मांगता हूं आपके लिए। मैं आपको जॉब मिलने के लिए परमेश्वर की दया मांगता हूं आपके जीवन में, यस कहे लॉर्ड यस, मुझे चाहिए तेरी दया इन हिस्सों में। जो आपके अंदर गुण टैलेंट परमेश्वर ने डाले हुए हैं, पर वो पाप के कारण, आत्मिक आंखें बंद होने के कारण, मैं देख रहा हूं वो आपके अंदर से निकल नहीं रहे, यूज नहीं हो रहे। आपके पास डिग्रीज है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास पढ़े लिखे हैं, पर आप कहीं इस वो यूज नहीं हो रहे। पर मैं आज देख रहा हूं, आज की मीटिंग के बाद परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो चुकी है, वो चीजें सामने आने वाली है। रिसीव करो अपनी प्रेयर करके इस ग्रेस को, यस ऑनलाइन रिसीव करो, रिसीव करो। आपके घर में से
निश्चय का आत्मा जाने के लिए मैं परमेश्वर की दया मांगता हूं। आपके घर में से गरीबी का आत्मा जाने के लिए मैं परमेश्वर की दया मांगता हूं। ओ जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने मुझे लोगों की उन्नति करने के लिए, लोगों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए, लोगों को आशीष करने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा फूंकने के लिए, लोगों की वचन के द्वारा उन्नति करने के लिए चुना है। मैं अपने गिफ्ट्स को आपके लिए यूज करता हूं और यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं, जे गिफ्ट्स आपके हर हिस्सों में काम करे, जे गिफ्ट्स आपके हर हिस्सों में काम करे, आपकी चर्च में काम करे, आपकी कलीसिया में काम करे, आपके घर में काम करे, आपके बिजनेस जॉब में काम करे। मैं ग्रेस मांगता हूं परमेश्वर की आपकी हीलिंग होने के लिए, रिसीव करो और मांगो परमेश्वर मुझे जो चाहिए। यस, मैं घोषणा कर चुका हूं आपने अपने मुंह से दया मांगनी उन हिस्सों के लिए। मैं ग्रेस मांगता हूं आपकी हीलिंग होने के लिए परमेश्वर से आपके जीवन में। मैं परमेश्वर की दया मांगता हूं आपके जीवनों में ईश्वरीय मददगार आने के लिए, ईश्वरीय मददगार आने के लिए। मैं परमेश्वर की दया मांगता हूं आपके जीवन के लिए कि आप उसके कामों के लिए इस्तेमाल किया जाओ। मैं परमेश्वर की दया मांगता हूं आपके जीवनों के लिए कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। मैं परमेश्वर की दया मांगता हूं आपके जीवनों के लिए कि आपके कान उसकी आवाज सुनने के लिए आज खुल जाए, आपके कान उसकी आवाज सुनने के लिए खुल जाए। मैं परमेश्वर की दया आपके उस हर हिस्से में मांगता हूं, यहां पर आपको दया चाहिए, यहां पर आपको दया चाहिए, यहां पर आपको दया चाहिए, यहां पर आपको दया चाहिए। रिसीव करो ग्रेस, 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 ग्रेस।